इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाइए। बहुत इजी सबसे पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करिए फिर। यू आर गिवन बिलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टू ईयर फॉर अ कंपनी। यहाँ पे 2 साल का हम लोग का दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें ईयर 1 के लिए और ईयर 2 के लिए दे रखा। अब इसमें क्या क्या आइटम है, तो सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 रॉ मेटेरियल, फिर 2 स्टोर, फिर 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 2 अदर एक्सपेंस, फिर 2 डेप्रिसिएशन। और इसका ग्रेड साइड में क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे सेल्स दे रखा हुआ, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ, उसके बाद हम लोग को मिसलेनियस इनकम दे रखा हुआ। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो गया। अब देखिए नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 1200 लाख इन ईयर 3। तो यहाँ पे ईयर 3 में आने वाला जो ईयर 3 होगा, जैसे ये था हमारा ईयर 1, ईयर 2, और यहाँ पे जो जाकर के मान लो ईयर 3 हो जाएगा और यहाँ पे ईयर 3 हो जाएगा, इसमें जो सेल्स होने वाला वो कितना बल्कि हो जाने वाला, तो ये हो जाने वाला है 1200 लाख। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 50 लाख बिसाइड्स अदर चार्जेस। तो यहाँ पे बाकी चार्जेस को छोड़ करके जो यहाँ पे अदर एक्सपेंस है वो 50 लाख से बढ़ जाएगा। तो अभी 100 या जाएगा 150 लाख। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे देखिए, ओनली रॉ मेटेरियल अंडर स्टॉक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ मेटेरियल स्टॉक में है। फिर एज्यूम सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म्स, तो यहाँ पे सेल्स और परचेज को हम लोग को एज्यूम करना है कैश में होगा। एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो 1 ईयर 1 में और ईयर 2 में जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज हुआ था, उसी प्रपोर्शन में यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया। आगे यू मे अज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड, तो डिविडेंड कुछ पे नहीं किया गया। द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ द कैश जनरेटेड टू सर्विस अ लोन। तो यहाँ पे 75% कंपनी कैश यूज करेगी लोन के लिए। उसके बाद कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर दिस पर्पज, फॉर द पर्पज, तो तीसरे साल में हम लोग को बताना है कि कितना कैश जनरेट हुआ है। फिर इग्नोर इनकम टैक्स, तो हम लोग इनकम टैक्स को इग्नोर करना है। तो देखिए सिंपल सा सम्स है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था और उसके बाद हम लोग को थर्ड ईयर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड ईयर का हम लोग बनाएंगे क्या, थर्ड ईयर का हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो प्रॉफिट होगा प्लस में प्रॉफिट में जो भी ऐड करने से लेस करने के बाद हम लोग जो निकालते थे नॉर्मली कैश फ्लो जो निकालते हैं, वही कैश फ्लो निकालने वाले हैं। और इस कैश फ्लो जो भी हम लोग का निकल के आ जाएगा उसमें 75% उसका निकालना होगा और वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ईयर 1 है, ईयर 2 है, तो चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 नंबर में। ईयर 1 का तो दे रखा हुआ है, पर ईयर 2 और ईयर 3 के लिए हम लोग बना लेंगे, या ईयर 1 2 3 तीनों का ही बना सकते हैं आप लोग, या सिर्फ और सिर्फ ईयर 3 का भी बना सकते हैं। बट ईयर 2 और ईयर 3 इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या ईजी होगा कि जो फिगर होगा वो निकालने में यहाँ पे ईजी हो जाएगा, इसलिए ईयर 2 और ईयर 3 का बना लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं 2 रॉ मेटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे निकाल देते हैं, तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, उसमें परचेज को ऐड करते थे माइनस करते थे क्लोजिंग, हम लोग क्या निकल कर आता था रॉ मेटेरियल कंज्यूम। तो देखिए यहाँ पे इस केस में ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है ईयर 2 के लिए 100 लाख का, इसमें रॉ मेटेरियल कितना है तो यहाँ पे 400 है और इसका क्लोजिंग कितना दे रखा है 150। तो इससे हम लोग का रॉ मेटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो आ जाएगा 100 प्लस परचेज कितना हुआ था 400 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था 150। तो ये माइनस करेंगे 150, तो ईयर 2 का हम लोग को निकल के आ जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम, जो कितना आ जाएगा 100 प्लस 400 माइनस 150, तो ये कितना जाता है हम लोग का 350 लाख। तो रुपीज इन लाख है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग बना रहे हैं अभी। ये हुआ रॉ मेटेरियल कंज्यूम का। अब देखिए रॉ मेटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग के पास स्टोर दे रखा है, तो चलिए लिखते हैं स्टोर। स्टोर कितने का है 120 का, तो यहाँ 120 ईयर 2 के लिए। फिर स्टोर के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 160 का, 2 MFGR एक्सपेंस कितने का है 160 है, तो यहाँ लिख दीजिए 160। उसके बाद 2 अदर एक्सपेंस कितना है 100, तो यहाँ लिखिए 2 अदर एक्सपेंस 100 का। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ डेप्रिसिएशन जो कितने का है 100 का, तो 2 डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा हम लोग के पास 100 का। और तो कुछ नहीं है ना इस साइड में है बाय सेल्स, सेल्स हम लोग का कितना है, सेल्स है 1000 का, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए।
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग पहले ले चुके हैं, तो मिसलेनियस इनकम बचा 10 का, तो यहाँ पे बाय मिसलेनियस इनकम, ये है सिर्फ और सिर्फ 10 का। इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो चलिए निकाल लीजिए दोनों से टोटल करने के बाद प्रॉफिट जो भी आता है, ये आ गया 1010 सेकंड, यहाँ भी आ जाएगा 1010। और प्रॉफिट भी तो हम लोग सारा जो दे रखा होता है सेकेंड ईयर का वही फिगर लिए, तो प्रॉफिट में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। टू प्रॉफिट फिर भी एक बार चेक कर लो, हम लोग का प्रॉफिट कितने का आ जाता है 180। अब यहाँ तक तो यहाँ तक तो जो हम लोग का फिगर दे रखा था नॉर्मली वही आ गया। अब यहाँ से समझिए, ध्यान दीजिए, ईयर थ्री के लिए सेल्स कितना बोला होता है, ईयर थ्री के लिए सेल्स कितना बोला 1200 का। अब रॉ मेटेरियल कंज्यूम में कितना आने वाला है हम लोग ये देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये जो सेकेंड ईयर का जो सेकेंड ईयर का दे रखा हम लोग के पास सेल्स वो कितना दे रखा है 1000, और यहाँ रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितने दे रखा है 350 दे रखा है। ये कितना परसेंट हुआ रॉ मेटेरियल कंज्यूम परसेंटेज ऑफ, वर्किंग नोट में लिख दीजिए आप लोग, परसेंटेज ऑफ आरएमसी ऑफ ईयर टू, या आरएमसी ईयर टू ब्रैकेट में कर दीजिए ऑफ सेल्स, ये कितना परसेंट सेल्स का है। तो देखिए रॉ मेटेरियल कंज्यूम हम लोग को 1350 का दे रखा हुआ है, 350 का है ना, और यहाँ पे सेल्स कितना 1000 है, तो इसका परसेंटेज में अगर देख निकालेंगे तो हम लोग कितना परसेंट आ जाएगा 35% आ जाएगा 35%। अब 35% में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो 1000 था उसका 35% क्या है, यहाँ पे रॉ मेटेरियल कंज्यूम सम्स में क्या बोला था कि जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम इधर का जो भी आइटम होने वाला था वो यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे होगा, प्रपोर्शन बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे 1200 का जब हम लोग 35% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1200 × 35% ये आ जाता है हम लोग के पास 420 का। तो ये समझ में आएगा आप लोगों का कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज के बेसिस पे ले जाना है। इसी तरह से स्टोर में स्टोर कितना परसेंट होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 12% हो जाएगा। इस 1200 का 12% कितना आ जाएगा, वो हम लोग का नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, ये आ जाता है 144। इसी तरह से इस 1000 का ये 60 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 160, ये कितना परसेंट होता है 16%, तो यहाँ पे 1200 का 16% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192, तो ये 192 हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। फिर अदर एक्सपेंस में तो हम लोग को स्पेसिफिकली बोला था ना, अदर एक्सपेंस में यहाँ देखिए स्पेसिफिकली बोला था कि 50 लाख का इंक्रीज होगा, तो देखिए पहले से 100 अभी 50 लाख का इंक्रीज होगा, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा 150 का। और डेप्रिसिएशन कौन सा चार्ज होता है, तो हमेशा फिक्स चार्ज होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिक्स चार्ज है जिसके वजह से ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन जितना लगने वाला है ईयर टू में उतना ही लगेगा ईयर थ्री में, बिकॉज डेप्रिसिएशन फिक्स चार्ज होता है, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग को इसको इंक्रीज नहीं करना है। और सेल्स वगैरह रखा था और मिसलेनियस इनकम भी कुछ नहीं बोला, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जितना मिसलेनियस इनकम पीछे पहले था अभी भी उतना आने वाला होगा, तो ये टोटल कीजिए यहाँ पे ये आ जाता है 1210, क्रेडिट साइड का टोटल 1210, और इस साइड में अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ऐड करके निकालिए प्रॉफिट कितना होता है, तो ये हम लोग आ जाता है 204 क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब इसी प्रॉफिट को लेकर के हम लोग को क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो तो सबसे पहले कैश फ्लो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, तो ये दे रखा हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है 204। अब यहाँ टैक्सेस तो कुछ है नहीं, तो हम लोग टैक्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट हम लोग का 204 हो गया। इस प्रॉफिट में जो भी हम लोग का नॉन एक्सपेंस होता था, नॉन कैश एक्सपेंस होता था, तो उसे हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इसलिए ऐड करना होगा, जो डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना हो गया था 100 ही था, तो यहाँ पे 100 को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हम लोग का हो गया 304। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करेंट एसेट में बोल सकते हैं, या इंक्रीज इन स्टॉक जो भी बोलना होगा आप लोग को, स्टॉक में क्या बोला था इंक्रीज हो गया था ना, स्टॉक में इंक्रीज कितना से हो गया था वो हम लोग को देखना होगा, तो देखिए
तो स्टॉक के लिए क्या बोला था यहाँ पे, इसके ये रहा द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर वन एंड ईयर टू। यहाँ पे ईयर वन और ईयर टू में जिस प्रपोर्शन जितना इंक्रीज हुआ था ईयर वन से लेकर के ईयर टू में, उसी प्रपोर्शन में, उसी प्रपोर्शन नहीं, उसी अमाउंट से, यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखा है ना, प्रपोर्शन लिखा रहता तो प्रपोर्शन हम लोग मानते हैं, बट यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ तो उसी अमाउंट से इंक्रीज होगा सेकेंड एंड थर्ड में। तो देखिए यहाँ आ जाइए, फर्स्ट का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 100 था, जो ईयर वन था उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो यहाँ पे ईयर वन का क्लोजिंग स्टॉक 100 है। ईयर टू में कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 50 से बढ़ रहा है, 150 करोड़ मतलब लाख हो गया, इसका मतलब 50 से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ईयर थ्री में होगा, जो ईयर हम लोग का थ्री होने वाला है, तो ईयर थ्री में कितना हो जाएगा, तो ये 150 से बढ़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 लाख। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ पे बोला था कि इस जिस अमाउंट में ईयर वन से लेकर के ईयर टू में गया था उसी अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज होगा ईयर टू से लेकर के थ्री से थ्री में। यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 50 लाख का, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना से होगा 50 लाख का। प्रपोर्शन नहीं बोला यहाँ पे, अमाउंट बोला, इसलिए हम लोग 50 लाख लिए हैं, कंसिडर किए, नहीं तो हम लोग लेते वहां पे सेल्स का परसेंटेज जितना होता वो हम लोग लेने वाले थे। तो ये हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करेंट एसेट, ये हम लोग का कितना का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कीजिए आप लोग 50, बिकॉज इंक्रीज जो होता था करेंट एसेट में, इसका मतलब जो स्टॉक में हम लोग का इंक्रीज हुआ, तो स्टॉक परचेज किए होंगे तभी तो इंक्रीज हुआ होगा। और जब जिस टाइम हम लोग स्टॉक को परचेज किए होंगे जिस टाइम में, उस टाइम में हम लोग का पैसा तो लगा होगा ना, पैसा तो एक्स्ट्रा लगा होगा, इसलिए जो पैसा लगा तो हम लोग का कैश आउटफ्लो हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो 304 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 254। तो 254 हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो तो हम लोग का निकल के आ गया 254। अब इस 254 में से कंपनी कितना लोन पर्पस के लिए कितना यूज करेगी कंपनी, तो लोन पर्पस के लिए यहाँ पे बोला कि 75% ऑफ द कैश लोन पर्पस के लिए यूज होगा। तो 75% जो दे रखा हुआ है ये, यही 75% लोन के लिए यूज हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए अवेलेबल फॉर सर्विसिंग द लोन, ये कितना हो जाएगा 75% ऑफ जो हम लोग के पास है 250 लाख। तो यहाँ पे 254 लाख जो हम लोग का आ जाता है, 254 लाख का 75% कितना, ये आ गया 190.5 लाख। इसका मतलब 190,50,000 ये हम लोग का हो गया लोन के लिए यूज किया जा सकता है। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स देखने वाले।